Hello? Hello? Are you a dog? Yes! I am also a dog. All right. Yeah. We're dogs. Yeah, we're dogs. We're dogs that live near each other. भाई दिल्ली में लठपाज को 15 नंबर सारे कुत्ते ने लिया। अरे भाई अब का आर पार की लड़ाई बाजेगी, बंदरन ने छोड़ेंगे ना, ठीक है ना भाई? अब की बार बंदरन ने छोड़ेंगे ना, पिछली बार तो बच के निकल गए, अब की बार भाई उठा लेंगे घर तक। भाई यू ये जो नू कह रहे हो इंग्लिश वाली मैडम तक, यू नकल करे, नकल करके पास हुई हो टेस्ट। मैं नहीं बताई, पता कहाँ करे गए, अपनी गैंग लेकर आये बेटा, मेरे पीछे भी 10 बार खड़े है बेटा, तेरे 10 दरे रह जाएंगे उड़े को। ले 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 ले, रोमपाल को घेर लियो, भग लो रे। भाई मैं न कही, मैं तो लड़ाई में आया, मेरे कान छोड़ दो भाई, मेरे कान में किसने बट को भर लियो। और बताओ तुम स्कूल में हो या कॉलेज में? आरीबारी में। मेरे घर वाले इज वेरी खतरनाक, आई एम जब भी कोई गलती करेंगे सब मिलके आई एम को ताना मारेंगे, बट आई एम को नॉट फर्क पड़ेंगे बिकॉज आई एम डीट। हमको आपकी बात नहीं करना है। अरे हम क्या किया भाई, बताइए क्या हुआ? क्या नहीं हुआ, वो पड़ोसन की कुतिया ने आपको कैसे छुआ है? जवाब दीजिए हमको। अच्छा ठीक है, सॉरी। अब से ध्यान रखेंगे। किसका? मेरा कि उसका? यार काड़िए, अबे भाई जरा तमीज से बोल ले। काड़िए जी, अब ठीक है? साला क्या करे, बहुत टेंशन है लाइफ में, छोकरी चाहिए तो उसके लिए नौकरी करना ही पड़ेगा। साला शकल भी ऐसी नहीं है कि कोई अपने को छोकरी दे सके, क्या करे। कौन सा गाना गा रहा था तुम? है बचपन का प्यार भूल मत जाना है, अरे आराम को, दूध के दांत टूटे नहीं हो, बचपन का प्यार कर रहा है। सॉरी बाप्पा, दोबारा तूने गाना गाया ना, इधर देख मेरी तरफ, दोबारा गाना गाया ना कि हड्डियों को छवर तोड़ दूंगा, पढ़ाई पहले चुपचाप जाके। गर्लफ्रेंड को लेके डेट पे जा रहा था, जिसकी थी उसने देख लिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन, नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्तों मैं ढोलकपुर से आया हूँ, और ये जो लड्डू अभी, ये मैं लेकर आया हूँ ढोलकपुर से। जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनका दिल से शुक्रिया, और जो लोग नहीं करते हैं मत करिए, मुझे कौन सा चुनाव लड़ना है। साला बड़ा टेंशन है लाइफ में, छोकरी चाहिए तो नौकरी लेना ही पड़ेगा, और साला शकल भी ऐसा ना है कि बिना नौकरी के छोकरी मिल जाए, क्या करे समझ में नहीं। अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या खड़ी है तो उसे खड़ी रहने दो, बेचारी थोड़ी देर बाद खुद थक कर बैठ जाएगी।